दलाल स्ट्रीट पर पिछले दो दिनों से ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के शेयरों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इन दो दिनों में इसमें करीब 23% की गिरावट आई है। 26 जुलाई को BSE पर जोमैटो के शेयर अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। इस बीच अनुभवी निवेशक शंकर शर्मा ने कहा कि उन्हें जोमैटो के शेयरों में जारी गिरावट देखकर दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के एक डायलॉग की याद आ गई है। शंकर शर्मा ने कहा कि जिस तरह अमिताभ बच्चन फिल्म में अपने पिता की मौत की खबर सुनकर कहते हैं कि वो तो 20 साल पहले ही मर गए थे और आज सिर्फ उन्हें जलाया जा रहा है, उसी तरह जोमैटो के शेयरों का खेल भी इसकी लिस्टिंग के दिन ही खत्म हो गया था। अब तो बस उसमें गिरावट आ रही है। शंकर शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, जोमैटो का शेयर मुझे दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के उस डायलॉग की याद दिलाता है जब वे अपने पिता की मौत की खबर सुनने के बाद कहते हैं, मर तो वो 20 साल पहले गए थे, आज तो सिर्फ उन्हें जलाया जा रहा है। जोमैटो के लिए लिस्टिंग के दिन ही खेल खत्म हो गया था। बता दें कि 26 जुलाई को कारोबार खत्म होने पर जोमैटो के शेयर 12.61% गिरकर 41.60 रुपए पर बंद हुए हैं। साथ ही इसकी कीमत इसके 76 रुपए के IPO प्राइस से भी 46% नीचे आ गई है। जोमैटो में गिरावट उसके शुरुआती निवेशकों के लिए एक साल का लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद आई। इन निवेशकों के पास कंपनी के 78% या करीब 613 करोड़ शेयर थे। शनिवार यानी 23 जुलाई को इन निवेशकों के लिए एक साल का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था। इसके बाद से ही जोमैटो के शेयरों में जबरदस्त बिकवाली देखी जा रही है। लॉक इन पीरियड का नियम उन कंपनियों पर लागू होता है जिनमें प्रमोटर्स नहीं होते हैं। जोमैटो भी ऐसी ही कंपनियों में शामिल है जिनमें प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। नियमों के मुताबिक जिस कंपनी में प्रमोटर नहीं होते हैं उनमें IPO से पहले कंपनी के पास मौजूद इक्विटी शेयर कैपिटल एक शेयरों के अलॉटमेंट से एक साल तक लॉक हो जाती है। इस दौरान ये शेयर होल्डर्स अपना एक भी शेयर बेच नहीं सकते हैं। मार्केट की इनसाइट खबरों के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।